The Ugly Duckling। एक खूबसूरत दिन डक्स का एक परिवार नदी में तैर रहा था और दूसरा बाहर टहल रहा था, पर एक डक अपने अंडों के पास बैठी थी। मेरे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे? अब तक तो अंडों को फूट जाना चाहिए था। मैं बहुत अकेली हूँ, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन मम्मी डक को ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। जल्द ही अंडे टूटने लगे और छोटे छोटे डकलिंग्स ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। ओह, मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। इधर आओ और सब लाइन में खड़े हो जाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, अरे इनमें से एक गायब है। मम्मी डक ने डर कर देखा कि एक अंडा अभी टूटना बाकी था। शायद मुझे इस अंडे के टूटने तक इस पे फिर से बैठना होगा, ये तो काफी बड़ा लग रहा है। जल्द ही वो अंडा भी टूटा, पर उसमें से जो डकलिंग निकला वो बड़ा और बदसूरत था। अरे ये नन्हा बच्चा तो अपने भाई बहनों से बिल्कुल ही अलग है। अगले दिन छोटे छोटे डकलिंग पानी में तैरने लगे। ओह, मैं आज बहुत खुश हूँ, सारे बच्चे कितने अच्छे से तैर रहे हैं और सबसे छोटा वाला भी बढ़िया तैर रहा है। चलो बच्चों, आज के लिए काफी है, हमें अंधेरा होने से पहले फार्म हाउस जाना होगा। पूरा परिवार फार्म के लिए निकल पड़ता है, जहाँ दूसरे डक्स भी रहते हैं। ये क्या, यहाँ पर इतने सारे डक्स क्या कर रहे हैं? बाकी के डक्स कितने सुंदर हैं, लेकिन ये बिल्कुल अजीब और भद्दा है। हाँ, काफी बदसूरत है, इसे यहाँ से निकालो। तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, अभी ये काफी छोटा है और बड़ा होके ये भी बहुत खूबसूरत बनेगा। पर कोई चुप नहीं बैठा, उस डकलिंग का मजाक उड़ाते रहे। तुम सब इसे चिढ़ाना कब बंद करने वाले हो? मैं अपने नन्हे से इस बच्चे को इतना दुखी नहीं देख सकती। लेकिन वक्त के साथ साथ अगली डकलिंग और भी सहम गया। वो जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। क्या तुमने आज तक इससे अगली कुछ देखा है? ओहो, इतनी सुबह सुबह किसे देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। ये तो दिन ब दिन और बदसूरत होता जा रहा है। बदसूरत डकलिंग कहीं जाकर अकेले में रोना चाहता था, उसके भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाते थे। मम्मी डक अपने अगली डकलिंग को इस तरह देखकर बहुत दुखी थी। कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता, मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। और अगली डकलिंग उड़कर फार्म से भाग गया, और उड़ते उड़ते वो एक खाई के पास पहुंचा। उसने फैसला किया कि वो रात वहीं रुकेगा। बहुत थकान हो रही है, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा। अगली सुबह वो दूसरी डक्स की आवाज से जाग गया और उसके सामने से जंगली बतख का झुंड गुजरा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक जाऊँ प्लीज, मेरे पास कोई घर नहीं है। तुम बहुत अगली हो, ठीक है रुक जाओ, पर तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। अगली डकलिंग उसी जगह पर कई दिन रुका। वो अकेला जरूर था, पर कम से कम किसी ने उसको तंग नहीं किया। एक दिन डकलिंग ने जोरदार धमाका सुना, वो डर कर वहीं पर छुप गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था, सारे डक्स जा चुके थे। अगली डकलिंग भी वहां से जितना हो सके उतना जल्दी उड़ गया। उसने खूब तेजी से उड़ने की कोशिश की, अचानक वहां पर तूफान आया और बिजली कड़की। अगली डकलिंग डर गया। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है, वो घर बढ़िया लग रहा है, शायद वहां थोड़ी देर रुक पाऊं। उस घर में एक बूढ़ी औरत अपनी बिल्ली और मुर्गी के साथ रहती थी, जिन्हें अगली डकलिंग मिला। क्या हो रहा है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो तो ये कौन है, ये तो एक डक है लेकिन बहुत अगली है, ये यहाँ कैसे आया? मैं इसे अपने पास रखकर इसके अंडे देने तक इंतजार करूँगी, फिर मेरी हेन और डक के अंडों को बेच दूंगी। ओह, बस इस डक के अंडे तंदुरुस्त और अच्छे हो। और अगली डकलिंग बूढ़ी औरत के साथ रहने लगा, पर यहाँ पर भी बिल्ली और मुर्गी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे सुनो, शीशे में खुद को देखकर कभी डर नहीं लगता क्या? मुझे देखो, मेरा बदन कितना मुलायम है, मेरे नाखून भी कितने बड़े और सुंदर है, मालकिन कहती है मेरी चाल भी लाजवाब है। तुम एक लूजर हो, तुम अंडे भी नहीं दे सकते, मेरे अंडों को देखो, ये कितने बड़े और सुंदर हैं। अगली डकलिंग और अकेला पड़ गया, वो खिड़की से बाहर एक तालाब को देखता रहता।
काश मुझे उस तालाब में तैरने का मौका मिलता। घर के पास नदी में तैरने में बहुत मजा आता था। पागल हो क्या? मालकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। तुम्हारे पास एक घर है, बोलो और क्या चाहिए? प्लीज तुम मालकिन, कैट और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ। वैसे भी तैर के क्या करोगे? अगले डकलिंग बहुत दुखी हुआ और क्या करना था वो सोचने लगा। मुझे पता है ये जगह सुरक्षित है, लेकिन मैं कोई कैदी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे कोई तैरने नहीं देता है। मुझे तैरना है, मुझे शांति से तैरना है और उड़ना भी है। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। फिर एक रात डकलिंग वहाँ से भी निकल गया अपने अगले घर की तलाश में। जल्द ही उसे एक सुंदर तालाब मिल गया जहाँ वो तैर सकता था। पानी कितना ठंडा है। इतने दिनों बाद तैर के अच्छा लग रहा है। काश यहाँ के जानवर और पंछी अच्छे हो, वरना मुझे ये जगह छोड़कर भी जाना होगा। लेकिन एक बार फिर अगली डकलिंग से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। हर कोई मुझसे दूर क्यों भागता है? मैं अगली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खराब हूँ। कोई भी मेरे साथ खेलना और बात करना नहीं चाहता है। अगली डकलिंग की जिंदगी यूं ही बुरी तरह कटती रही। फिर मौसम बदला, पतझड़ आया। पत्तों का रंग लाल से नारंगी और फिर सुनहरा हो गया। फिर आई सर्दी, सारे जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। काले बादलों ने डकलिंग को और ज्यादा दुखी कर दिया। फिर डकलिंग तालाब के किनारे गया और जो उसने देखा वो लाजवाब था। कितनी सुंदर बर्ड्स हैं ये, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनके पंख कितने बड़े हैं। ऐसा लग रहा है ये उड़ नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही है। ठंड और बढ़ती गई। ठंडे पानी के बावजूद डकलिंग ने तैरना नहीं छोड़ा और वो झाड़ियों में जाके बैठ गया। जल्द ही बसंत आई, फूल खिलने लगे और सूरज आसमान में चमकने लगा। डकलिंग ये सब देख के बहुत खुश हुआ। मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया है। मेरे पंख भी अब स्ट्रांग हो गए हैं और अब उड़ने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। अचानक डकलिंग ने उन पक्षियों को फिर से देखा जो उसे बसंत में दिखे थे और वो भागकर झाड़ियों में छुप गया। वो बर्ड्स कितनी सुंदर हैं। मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। शायद ये बर्ड्स मुझे मार भी सकती हैं। सब लोग हमेशा मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। पहले फार्म में डकलिंग्स, फिर मेरे भाई और बहन, हेन और कैट उस घर में, और भी कई सारे लोग। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। डकलिंग तालाब के पास एक कोने में चला गया। वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक उसने तालाब में अपनी परछाई देखी और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। तालाब के साफ पानी में उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि अब वो कोई काला सा बदसूरत डकलिंग नहीं रहा, बल्कि अब वो एक खूबसूरत स्वान बन चुका था। हाँ, वो अगली डकलिंग नहीं, एक स्वान था। बाकी सारे स्वान्स ने उसका स्वागत किया और उसको ढेर सारा प्यार दिया। आखिरकार उस छोटे से भद्दे से डकलिंग को एक परिवार और दोस्त मिले, खूबसूरत स्वान्स के रूप में। एक परिवार दो बच्चों के साथ स्वान्स को देखने आया। देखो वहाँ एक डक है। मम्मी पापा यहाँ आओ, देखो उस डक को, कितना खूबसूरत है। ओ, ये नया वाला सबसे बढ़िया है और ये कितना सुंदर है। इतनी तारीफ सुनकर स्वान बहुत खुश हुआ। उसे काफी शर्म भी आ रही थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ ताने सुने थे, पर अब उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। आखिरकार सबने उसको कहा खूबसूरत। मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई कभी मुझे सुंदर बोलेगा। अगर मुझे पहले भी इतना प्यार मिला होता जब मैं छोटा था, तो इतना भयानक बचपन नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि लोग आखिर एक दूसरे के रंग के हिसाब से दोस्ती क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है।